यार पानी कितना गहरा होगा भैया? कॉलिशन तो संगम के आसपास की नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। नदी में पानी बहुत ही कम है और यहाँ पे ये सारे सामान किस चीज़ के लिए यूज होता है पता नहीं मुझे। यहाँ से पानी लेके जाते हैं लोग गाड़ी से। यहाँ पे चाय बिक रहा है। ओह चाय ऑलवेज अट्रैक्ट्स मी बट नॉट दिस टाइम, इट्स टू हॉट हियर। पहले घूमते हैं, नाव में अगर चढ़ पाएंगे तो बहुत मस्त होगा। नाव में चढ़ के उस साइड चलते हैं, बढ़िया होगा। तो भाई अभी इस नाव से जाएंगे संगम की जगह, ये भाई लेके चलेंगे, चलते हैं। सो लग जा रहे हैं, मैं भी चढ़ जाता हूँ इससे। बहुत सारे नाव ऐसे पड़ा है, अलकतरा लगा है बीच, पता नहीं ये मुझे अकेला ले जाना चाह रहा है। चलो देखते हैं। फाइनली 100 रुपये में डील हुआ है पक्की। ये बंदा पता नहीं क्या क्या करता रहता है। चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा कर रहे? रुकेगा नहीं, जाएगा। जाके आने के लिए 120 बोला, अभी बैठने के बाद फिर 150 रुपए बोल रहा है। क्या है सेपरेट बोर्ड? क्यों ऐसा कर रहे? सेपरेट बोर्ड नो सर, जाए उसको भी बुला लो आप। 200 बोल रहा था ना, 200 120 ले लो। चलो जाओ, 120 रुपए अभी सवारी बैठाए। एक नौका चल पड़ी, एक नौका आ रहा है। चलो भैया चलो, तुम ऐसा करना बाबू एक ही बोल, तुम दोनों में 300 करना बस। क्या दे कितना गहरा होगा पानी?
पानी की धारा बह रही है। ये जमुना और जगह बोलते जमुना से या यमुना बोलते यमुना वो ये एक ही है दोनों यमुना या जमुना वो ये बोलते हैं वो किधर से आ रहा है ये यही है ना। हाँ ये यमुना बहुत पवित्र प्लेस देवप्रयाग पे देवप्रयाग संगम ये बहुत टाइम है। हाँ जी आ रहे बहुत ही शानदार से एक्सपीरियंस था गाइस।